कंपनी के मालिक एलन मस्क ट्विटर के बॉस बन चुके हैं। कई उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार ट्विटर की कमान पूरी तरह से मस्क के हाथों में आ गई है, जिसके बाद एलन मस्क एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एलन मस्क ने ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल की छुट्टी कर दी है। पराग अग्रवाल के अलावा नीति और ट्रस्ट के प्रमुख विजया गड्डे और मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन खबरों के बीच मस्क ने पहला ट्वीट किया है, जिसे पराग अग्रवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं। मस्क ने लिखा, पक्षी आजाद हो गया। एलन मस्क के इस ट्वीट पर लोगों की काफी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। 1 घंटे में करीब 4,80,000 से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि 90,000 के करीब लोग मस्क के ट्वीट को रीट्वीट कर चुके हैं। लोग उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्होंने पराग अग्रवाल को ट्विटर के CEO की पोस्ट से हटा दिया है। बता दें कि 13 अप्रैल को एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने की घोषणा की थी। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को $54.2 प्रति शेयर के रेट से $44 अरब में खरीदने का ऑफर दिया था। हालांकि बीच में ये डील खटाई में पड़ गई थी। ट्विटर और मस्क के बीच विवाद के बाद मस्क ने इस डील को होल्ड कर दिया था। मामला अदालत तक पहुंच गया था। इस बीच 8 जुलाई को एलन मस्क ने डील खत्म करने का फैसला किया था। हालांकि इस महीने की शुरुआत में उन्होंने डील को पूरा करने की ठान ली। इस डील को लेकर ही एलन मस्क और पराग अग्रवाल के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। पराग अग्रवाल शुरू से ही एलन मस्क के खिलाफ खासे मुकर रहे थे। एलन मस्क की ओर से ट्विटर के लिए बोली लगाने के बाद से ही कंपनी के CEO पराग अग्रवाल के साथ उनकी नोकझोंक चली आ रही थी। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव देने के बाद पराग अग्रवाल ने कई ऐसे बयान दिए थे जिनसे दोनों के बीच तनातनी साफ उजागर हुई थी।